बिल्कुल जेड़ा है ना और सुविधा सेंटर का हाल देखो तुम की तुसी सरकार नूं लिख के दिओ वी सानूं सुविधा सेंटर खोलण नूं सानूं आह जगह चाहीदी है। लोग खड़े है लाइनां दे विच रही तरही करदे पए, आओ पहला सुविधा सेंटर च करिए जी, आ जाओ तुहानूं भी लिआओ जरा आपां करिए गल। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕੇਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਓ। ड्यूटी बनती है कि लोगों नूं अपने काम लई फर्ज कर लो किसी डॉक्यूमेंट जल्दी चाहिए और साढ़े को जिथे जिथे प्रोविजन है तुहानूं नवीं सरकार आ गई पुरानी इहदा तां सिलसिला खत्म हो गया आपां लिख के दईए उन्होंने यकीनी बनाईए उत्थे नेड़े खोलिया जा जिहड़े बंद होए आ उन्हां नूं सानूं खोलण दे विच परेशानी की लिखना चाहिए आफ्टर तुहाडी एक मिनट ड्यूटी जिहड़ी है तुहाडी इतने तुहाडी ड्यूटी एज ए डिप्टी कमिश्नर जां तुहाडे एडीसी जां एसडीएम लोगों नूं जिहड़ी चीज़ मुहैया नहीं करा रही उन्हों लिख के भेजना सरकार नूं अगर तुहाडे कोल है नैगलीजेंसी लोग खड़े लाइनां दे विच सरकार नहीं आई है लोगों को लाइन खड़े करना एक मिनट दिल्ली के सरकार लोगों के डायमंड डाकूमेंट जोड़ी से बना रही है अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार ड्यूटी उत्थे बना रही है और ये देखो आ जनता देखो किदा खड़ी है मैं तो हैरान लोगों को दिखाया जाए जनता का सर देखो जी कंप्यूटर इधर के पास का राश है दस बजे बैठे नौ बजे बैठे सारा रश दिखाया जाए पता लगे ड्यूटी हो रही है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ये 342 नंबर इसका आज आ जाएगा मेरे को बताइए कितने बजे तक बैठे कितने बजे तक आएगा
कुछ भी काम है यार, इस बात को छोड़ो, आप मेरी बात को ये बताओ कि आपका कोई आप समय की है भी, आपको कोई जब नंबर देते हैं आपको लोगों को कितना टाइम लगेगा, कोई टाइम बाउंड सिस्टम है आपका? सर एक्चुअली की है जो टोकन है ना ऑनलाइन टोकन जनरेट करके एप्लीकेंट में देते हैं, ये सर किस तरह की एक डिलीवरी का टोकन देते हैं। एक मिनट ये 9 बजे का टोकन आपका नहीं है? अगर मॉर्निंग का 9 बजे का टोकन है आपका, इस पर टाइम है दिखा हुआ सर? तो आप ये बताइए कि आफ्टर लंच कैसे चला गया? सर इसमें 229 नंबर इन्होंने लोकल है जिड़े कि इस तो पहले मतलब एप्लीकेंट्स है गया 179 एप्लीकेंट्स सर को सेल हो चुके हैं। सर हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो यहाँ पर पर्चियाँ काटी जाती हैं, पर डिलीवरी प्रॉमिस क्या है आपकी कंपनी का? सर जितने भी टोकन प्रोसेस हो, सर आपने जो बात की हमें समझ ली, हमारी बात का जवाब दो, यहाँ पे जो टोकन कट रहे हैं सबका डिलीवरी प्रॉमिस है कि नहीं है? अलग अलग चलो आप किसी एक सर्विस का बताइए, हम कहते हैं सर्विस में 6 घंटे लगेंगे, कोई बात नहीं, कितना टाइम लगेगा? सर मैं कह रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जरा डिलीवरी का टोकन है वो अलग टोकन कटी जाती है, जी आधार कार्ड की टोकन इतनी कई तरह की सर टोकन कटी जाती है, जो आधार कार्ड की है एक डिलीवरी का एक सर्विस का, ठीक है टर्न बाय टर्न सर उन्होंने पर इतना टाइम लगना सर? सर सर्विस का ये दो जनता कह रही कोई 11 बजे का खड़ा, कोई 10 बजे का खड़ा, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟਾ
बिल्कुल जवाबदेही लिखो आ लोगों तो सामने खड़े हैं जिहड़ी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है इट मीन तुसी सारे असी जवाब दे हैं मैं भी जवाब दे तुसी भी जवाब दे ठीक है सर ये लोगों नूं सुविधा ना हो सुविधा सेंटर है जो सुविधा सेंटर बन गया तो साडा इत्थे सर्विस दा इहदा कोई फायदा नहीं अग्गे आ जी नहीं कोई गल मैं कोई इदा की गल नहीं मैं तो चाह पीनी मैं कल मोहाली भी गया नौ बजे लोग टोकन लोग कोई पिंड चो कितों आया कोई कितों आया जवाब देनी है असी भाई साहब मान योग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और साड़ी पार्टी आम आदमी सुप्रीम अरविंद केजरीवाल ये अज एक ऐसी जोड़ी है जिसे हिंदुस्तान की जनता विश्वास कर रही है ठीक है ना जी तो ये लोगों को इदा नहीं यकीन चलना इसे जिम्मेवारी जी है ये आप अज तो इन्हों कह रहे कल तो तुम इन वाच कर रहे हो इन्हों की मोनीटरिंग कौन कौन कर रहा है अब तक कि लैवल तक आप कर तो सर्वे तक कौन कौन यकीन कर रहे तुम कर रहे कौन होर कर रहे तुम ये हाँ जो सुविधा सेंटर की मोनीटरिंग कौन कर रहा कौन देख रहे हैं
अगर लोगों को इदा छे छे अठ अठ घंटे लाइन च लग के वापस जाएगा जो लग रहा एक 300 किन्ने नंबर पर्ची वाले बजुर्ग बोल रहे हैं 700 कुछ भी है या वो होर पर्ची भी है वो आप इदा ही सर्विस देके मकसद करना नहीं है असि नहीं कहते अपना काम सारा ठीक नहीं करते पर जे काम निगाह को अगर अफसर की कमी है या कोई गल है आप छोटे किसी अफसर को दे इन्हों वाच आउट करो इतने क्या लोगों कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इधर आप बिल्कुल आप यकीनी बनाइए इन्हों अगे तो इन टिकट सर्विस टाइम बाउंड करो जे इन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दी है तो इन्होंने बहुत उन्ने बंद अगले दिन की अपॉइंटमेंट जिन्ने दिन की तुम अपॉइंटमेंट अज अगले दिन की दे दो अज की कल की परसों की उन्होंने बढ़ दौ डिवाइड कर दौ जे अब 200 बंदे का आराम ना होता तो 200 का करो आके आके शाम वापस जाए या शाम 7 बजे घरों जाए पता नहीं कितों आए हो कितनी दूर जाना इन्होंने और सब तो वड्डी गल है यकीनी बना सरकार ने जो जो सूटा सेंटर बंद पे है उसे लिखे दो उन्होंने खोलो नेड़े खोलने की कोशिश करो उधर सरकार को तस्वीर भेजूंगे तभी पता लगेगा तभी अभी अगे गल करा हनुमान जी से अगे लैके जावा सारा सुविधा सेंटर इन्हें सू जुकी नहीं उन्होंने तो ना नहीं करनी कहते आप लगे हो मुख्यमंत्री साहब हरेक काम इदा ना तो जी कोई गल नहीं आप डेफिनेटली अज तो बाद जरूर थोड़ा सुधार होगा नहीं होगा तो तुम मेरा नंबर जोड़ा हैगा दसना मैडम थोड़े को MLA साहब बैठे हैं इन्होंने नॉलेज लैके आओ ये मैनू दसूगे आप रल के मेरे नाल ही है ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇੜਾ ਵੱਜੂਗਾ ਜੀ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੜਾ ਇੱਕ 96 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਕਾਉਂਟਰ ਦੇ ਅੱਛਾ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਾਉਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਕਾਉਂਟਰ ਦੀ ਐਂਟੀ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਕਾਉਂਟਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਉਂਟਰ ਵਧਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਾਉਂਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਾਉਂਟਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਾਉਂਟਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖੋ बिल्कुल अपने काउंटर बधाओ और टाइम बाउंड करो।